बिहार की सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड के अंदर भूचाल आ गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की है। इस खबर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। सहयोगी राजद ने भी भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इधर दल के अंदर भी नाराजगी है। सूत्रों का कहना है कि ललन सिंह के इस्तीफे के बाद कुछ विधायक अलग अलग रास्ता पकड़ सकते हैं। पार्टी में अगर टूट होती है तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार कमजोर होंगे और इसका सीधा लाभ भाजपा को होगा। यह भी कहा जा रहा है कि सहयोगी दल की तरफ से नीतीश कुमार पर कुर्सी छोड़ने का दबाव है। अगर सीएम नीतीश इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तब दूसरा फॉर्मूला अपनाया जाएगा, यानी जेडीयू विधायकों को तोड़ने की कोशिश होगी। नीतीश कुमार भले ही टेंशन में हो लेकिन यहाँ भी भाजपा निश्चिंत मुद्रा में है। विधानसभा स्पीकर की कुर्सी राजद के पास है लेकिन नई सरकार बनाने में राजभवन की बड़ी भूमिका होती है। केंद्र में मोदी सरकार है लिहाजा तेजस्वी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन में राजभवन बाधक बन सकता है। तब एक बार फिर से नीतीश कुमार और भाजपा नेतृत्व के बीच समझौता होगा जिसका लाभ भाजपा को मिलना तय है। दरअसल 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में आरजेडी के विधायकों की संख्या वर्तमान में 89 है। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की जरूरत होती है। आरजेडी को कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 16 विधायकों का शुरू से ही समर्थन है, यानी आरजेडी कांग्रेस और वाम दलों को जोड़कर 114 विधायक है। वहीं एक निर्दलीय सुमित सिंह है, साथ ही एक ओवैसी की पार्टी के विधायक है। इस तरह 114 के अलावा दो अन्य विधायकों को जोड़ने पर यह राजद के नेतृत्व वाले गठबंधन की संख्या 116 हो सकती है, जबकि बहुमत के जादुई आंकड़े के लिए 122 चाहिए, यानी बहुमत से 6 कम है। अगर राजभवन बीच में आड़े नहीं आए तो तेजस्वी यादव जेडीयू के कुछ विधायकों को तोड़कर और विधानसभा में अलग गुट की मान्यता दिलवाकर सीएम की कुर्सी तक पहुंच सकते थे, लेकिन नई सरकार के गठन के लिए राज्यपाल आमंत्रित करते हैं। अगर जेडीयू के कुछ विधायकों की जूट होती है तब नीतीश कुमार चुप नहीं बैठेंगे। ऐसे में गेंद राज्यपाल के पाले में चली जाएगी। वैसी राजनीतिक स्थिति में नीतीश कुमार और बीजेपी नेतृत्व मिलकर बड़ा खेल कर सकता है। भाजपा के विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि हम लोग निश्चिंत हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। बिहार में सत्ताधारी दल जेडीयू के अंदर चल रही उठापटक से कई संभावनाएं बन रही हैं। एक संभावना यह है कि जेडीयू के कुछ विधायक अलग होकर नया गुट बना सकते हैं। इस गुट को अगर भाजपा का समर्थन मिलता है तो बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है। दूसरी संभावना यह है कि राजद जेडीयू के कुछ विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बना सकती है, लेकिन इसके लिए राजभवन का समर्थन जरूरी होगा। तीसरी संभावना यह है कि नीतीश कुमार और भाजपा एक समझौता कर सकते हैं। इस समझौते के तहत नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं और भाजपा को कुछ महत्वपूर्ण पद दिए जा सकते हैं। अभी तो बिहार में राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है। आने वाले दिनों में यह देखा जाएगा कि सियासी उठापटक का क्या परिणाम होता है।